स्टार्ट। नमस्कार, आप लोग को वीडियो शूटिंग की ट्रेनिंग में स्वागत है। आज मैं चंद्रशेखर, जो कि डिजिटल गेम में कार्यरत हूँ, आप लोगों के सामने थोड़ा मून टेंट किस प्रकार बनाते हैं वह दिखाएंगे। मून टेंट बनाने के पहले आप लोगों के सामने एक पेपर दिया गया होगा। इस प्रकार ये पेपर है, आप लोग देख रहे होंगे आधे हिस्से में मून टेंट बना हुआ है, रेखाएं खींची हुई हैं, आधा हिस्सा सादा है। इस प्रकार दूसरा साइड अगर हम पलटे हैं तो पूरा हिस्सा सादा है, ठीक है। आप लोग यह चीज़ देख लिए। अब इस पेपर को हम ऐसे रखेंगे नीचे ताकि सादा हिस्सा पूरी तरह से एक तरफ रहे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो मून टेंट वाला हिस्सा है यह पोर्शन वो नीचे की तरफ रहना चाहिए सादे हिस्से में। ऐसा ना हो कि मून टेंट का जो हिस्सा बना हुआ है यह पोर्शन ये ऊपर चला जाए, ये नीचे की ओर रहेगा और इधर का सादा पोर्शन ऊपर रहेगा। अब हमको यह सादा पेपर इस प्रकार रखी हुई है, इसे मोड़ना है। इसे ऐसे मोड़े ताकि आधे आधे हिस्से से मुड़े, मतलब कि यह आधा मुड़ेगा तो ये नीचे पूरी तरह से यहाँ बैठ जाएगा। पर यह ध्यान दें कि इधर जो लिखा हुआ हिस्सा है वह दिखना नहीं चाहिए, यह सादा पोर्शन इधर सादा ही रहेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यह किस प्रकार मोड़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह मोड़ लेने के बाद आप देखिएगा कि इधर पूरी तरह से रेखाएं वाले हिस्से हैं, इधर पूरी तरह से सादा हिस्सा है। अब हम इस प्रकार मोड़े ताकि यह देखिए इस रेक्टेंगल पोर्शन का आधा पोर्शन है, इस प्रकार मुड़े ताकि यह जो है ऐसे मुड़ जाए, बीचों बीच इसका आधा पोर्शन में इतना बचा हुआ है। अब यह देख रहे हैं मोड़ने से यह जो पोर्शन है यहाँ से मुड़ा हुआ सीधा लाइन इस पर आया है, इधर से इस प्रकार हम इसको भी मोड़ेंगे तो दोनों तरफ से मुड़ गया। मुड़ने के बाद आप ध्यान दे रहे हैं यह रेखाएं गोल बन चुकी हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यह रेखाएं दोनों तरफ से मोड़ने के बाद गोल बन चुकी हैं। यहाँ तक आप लोग बना चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को नीचे का सादा पोर्शन है इधर भी और इस साइड भी नीचे का सादा पोर्शन है, ठीक है। हम दोनों पोर्शन को इस तरह से मोड़ें कि यह यहाँ ऐसे मुड़ जाए। इधर के भी पोर्शन को हम उसी प्रकार मोड़ेंगे। अब आप देख रहे हैं यह दोनों पोर्शन मुड़ा हुआ है, इधर भी इधर भी। अब हमको मोड़ने के बाद यह जो बाकी का जो है भाग जो कि ट्रायंगल के बाहर निकल रहा है या त्रिकोण के जो बाहर निकल रहा है उसे हमको मोड़ना है, तो इसमें इस प्रकार से मोड़ें ताकि यह अंदर घुस जाए। इधर के भी भाग को जो कि बाहर निकला हुआ भाग है उसे मोड़ लें। देखिए इस लाइन से मिलता हुआ मोड़ आ रहा है ना। आप पीछे वाले पोर्शन को भी इसी प्रकार से जो बाहर निकला हुआ है, त्रिकोण से बाहर निकला हुआ पोर्शन है, उसे घुमाकर मोड़ लें। इधर वाले पोर्शन को भी उसी प्रकार हम मैंने मोड़ लिया, तो अब मेरा चारों पोर्शन क्या हो गया है, इसी सीमा के लाइन से मुड़ा हुआ है। अब हमें इसे खोलना है, ध्यान से खोलें। यह खोलेंगे तो इस प्रकार से खोलें, देख रहे हैं ये इस प्रकार से खुल रहा है और ये ऐसे बन रहा है। मेरा यह ऐसे पोर्शन था, इसे हम ऐसे खोले और यह इस प्रकार से मुड़ गया। देख रहे हैं यह पूरा उजला स्ट्रिप दोनों तरफ आ चुका है। अभी आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह मोड़ा, इस तरह से ऐसे करके इसे ऐसे मोड़ लिया। अब मोड़ने के बाद यह इस तरह से आ चुका है पोर्शन आपका, इधर भी इस तरह है, इधर भी इस प्रकार है। अब हमको ध्यान देना है कि जो नीचे वाला भाग है उसे इस प्रकार मोड़े कि इस रेखा में वह टच करे। अब इसे मैं यहाँ पे मोड़ रहा हूँ, इस तरह का इधर भी मैं इसे मोड़ रहा हूँ। देखिए यह रेखा में टच कर रहा है, मुड़ गया, इधर भी मैंने मोड़ लिया। अब मैं इसे दोनों तरफ मोड़ने के बाद उसी प्रकार ऐसे करके इसे खोलूँगा। अब यह खुल कर मेरा क्या तैयार हो गया है, आपके सामने आपका मून टेंट तैयार है। मुझे आशा है इसे देखने इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस मून टेंट को इसी प्रकार बनाकर दिखाएंगे। धन्यवाद।